हाय, वेलकम टू माय चैनल ज्योति एजुकेशनल सेंटर। आज मैं आपको वर्ब्स का ही एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको स्टैटिक और डायनेमिक वर्ब के बारे में बताया था, तो जिन स्टूडेंट्स की क्वेरी थी आई होप उनकी क्लियर हो गई होंगी। तो आज मैं आपको बता रही हूँ वर्ब्स के बारे में। तो देखिए क्या होती है ये वर्ब्स, कैसे ये दो टाइप्स की वर्ब होती है। सबसे पहले आपने देखा होगा, अभी तक आप टेंस पढ़ रहे हो, उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपसे कहा था कि इसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है अफर्मेटिव में। तो हम और आगे वाले टेंस में आप जो परफेक्ट टेंस पढ़ोगे उसमें थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो बेसिकली थ्री फॉर्म्स में होती है वह, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं बेस फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो हमसे ये बोल दिया जाता है इसमें सेकंड फॉर्म लगा लो, इसमें थर्ड फॉर्म लगा लो, लेकिन जब हमें पता ही नहीं होगा इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है तो हम कैसे यूज करेंगे, तो आज मैं आपको वही सिखाऊंगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। अब दोनों टाइप्स की वर्ब आप अभी तक पढ़ते आए हो, लेकिन आज हम बताएंगे क्या इसमें डिफरेंस होता है। रेगुलर वर्ब्स को बोलते हैं वीक वर्ब्स, और इरेगुलर वर्ब्स का सेकंड नेम होता है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। इसमें फिक्स पैटर्न होता है और इसमें कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता। मैं आगे अभी एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगी और दोनों ही वर्ब्स के बारे में डिटेल में मैं बताऊंगी। इस वीडियो में मैं केवल रेगुलर वर्ब्स के बारे में आपको बताऊंगी, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इरेगुलर वर्ब्स के बारे में फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद इसमें लास्ट में ई, ईडी और आईडी आपने देखा होगा, जैसे कि जंप, जंप के आगे ईडी लगा देते थे जंप्ड, अराइव, अराइव के आगे केवल डी लगाते थे अराइव। और मैंने ये बताया भी था स्पेलिंग चेंजेस में पास्ट इंडेफिनिट के सेकंड पार्ट पर। क्राई मैंने बताया भी था आपको, जो वाई से नॉर्मली एंड होते हैं और उनके पीछे कॉन्सोनेंट लगा होता है, तो उसमें वाई को हटाकर हम आई डी लगा देते, यानी सी आर आई ई डी। ठीक है, इस टाइप से बताया, तो आज मैं उसी चीज को आपको डिटेल्स में बताने जा रही हूँ। अच्छा, अब रेगुलर वर्ब्स में कोई भी स्पेसिफिक करेक्टर नहीं होता, इसका कोई भी पैटर्न नहीं होता। जैसे ब्रिंग, ब्रिंग का क्या बन जाता था, ब्रॉट, बी आर ओ यू जी एस टी, तो कोई भी पैटर्न नहीं बनना। सिप, सिप, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो इस टाइप से इनका कोई भी फॉर्म नहीं बनना। जैसे ब्रिंग का ब्रॉट, ब्रॉट, दोनों में ही आपने देखा, ड्रिंक में कंप्लीटली तीनों फॉर्म ही चेंज हो गई, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, और इसमें कुछ ऐसी भी फॉर्म आ जाती है जो चेंज ही नहीं होती, जिनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म सेम ही रहती है। तो आइए अब बात करते हैं रेगुलर वर्ब्स के बारे में। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन बटन प्रेस करने से जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा, इससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। रेगुलर वर्ब्स यानी कि वीक वर्ब्स, मैंने इसको कुछ पार्ट में कैटेगराइज किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें डी, ई डी या आई डी इस तरह से लगता है, फिक्स पैटर्न होता है। तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने कुछ पार्ट्स बनाए हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है जिसमें कि केवल हम डी ऐड करते हैं, जैसे अराइव, अराइव, अराइव्ड, ब्लीप, ब्लीप, ब्लीप्ड, चेंज, 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 इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड, डाई, डाई, डाइड, क्लोज, 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 कैप्चर, कैप्चर, कैप्चर्ड, एंड यूज, यूज, यूज। यहाँ पर आपने एक बात और नोटिस करी, सब चीज के एंड में क्या लग रहा है, हर वर्ब के एंड में डी, यानी कि ऐसी वर्ब मोस्टली जिसके एंड में ई लग रहा है उसमें हम केवल क्या ऐड करते हैं, डी। मैं ट्राई कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो वर्ड हमारी डेली लाइफ में यूज होती है, ज्यादा सेंटेंसेस में यूज होती है, वो सारी वर्ब्स कवर कर लूं। तो आप मेरा वीडियो पॉज करके आप चाहे तो ये वर्ड नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर वर्ब्स हमारी इसी से रिलेटेड होती हैं, तो काफी यूजफुल रहेंगी अगर आप इन्हें नोट करें। पार्ट बी, इसमें मैंने ऐसी वर्ब्स लिखी है जिसमें लास्ट में ईडी एड होता है। देखते हैं ऐसी वर्ब्स को, अपियर, 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 लास्ट में क्या एड हो रहा है आपके पास, ईडी, अलाउ, 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 अटैक, अटैच, अटैच, boiled, 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 cooked, cooked, cooked,
jump jumped jumped, open opened opened, watch watched watched, help help help, cross crossed crossed. बहुत ही कॉमन वर्ब्स जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं, मैंने जितना हो सका है पॉसिबल उतना लेने का मैंने ट्राई किया है, तो आप मेरी वीडियो पॉज करके जरूर नोट करिएगा ये वर्ब्स. पार्ट सी, ऐसी रेगुलर वर्ब जिनके लास्ट में आईडी लगता है. तो देखते हैं आईडी कब लगाते हैं. इसकी एक पहचान होती है, एक फिक्स पैटर्न होता है. देखिए लास्ट में सबसे पहले तो आप ये नोटिस करिए सबके लास्ट में क्या लग रहा है, वाई, और उससे पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट. जैसे कि यहाँ पर आर आ रहा है, यानी वाई से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट. तो हाँ, रेगुलर वर्ब से हम ये कह सकते हैं कि जिन वर्ब्स की एंडिंग वाई से हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट लग रहा हो तो उसमें हम वाई को रिमूव करके क्या लगा देते हैं, आईईडी. देखते हैं, क्राई क्राई क्राई. तो क्राई में से आप ये देख रहे होंगे यहाँ से हमने वाई को रिमूव कर दिया है और क्या लगा दिया है, आईईडी. ड्राई ड्राई ड्राई, इसमें से भी हमने वाई रिमूव कर दिया है और क्या लगा दिया है, आईईडी. Reply, reply, replied. Study, study, study. Copy, copied, copied. Carry, carried, carried. Verify, verified, verified. Satisfy, satisfied, satisfied. तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अपने आप आपको लर्न हो जाएंगी. और ये वाली वर्ब जरूर नोट करिएगा, मैंने पूरा ट्राई किया, 90% ऐसी वर्ब जिनके पीछे वाई और कॉन्सोनेंट लग रहा हो उसमें हम वाई हटाकर आईडी लगा देते तो उस तरह से इसका ही फिक्स पैटर्न बोला जाता है, इसलिए ये रेगुलर वर्ब्स के अंदर आती है. पार्टी, पार्टी में केवल एडी नहीं होता, आप देख रहे होंगे इसके अलावा हमको एक और चेंज करना पड़ता है, डबल लास्ट लेटर एंड एड ईडी. यानी पहले हमें डबल करना है लास्ट लेटर, उसके बाद ईडी एड करना है, डायरेक्ट ईडी एड नहीं करना. तो देखते हैं ऐसी वर्ब्स को. इसमें आप जनरली क्या देखेंगे, इसका एक पैटर्न होता है सीबीसी. ये देखिए लास्ट में कॉन्सोनेंट, बॉबल कॉन्सोनेंट. मैं पास्ट इंडेफिनेट की वीडियो में आपको डिटेल में बता भी चुकी हूँ, कॉन्सोनेंट बॉबल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट बॉबल एंड कॉन्सोनेंट. तो जिनका सीबीसी पैटर्न होता है जिन रेगुलर वर्ब्स का, उसमें सबसे पहले लास्ट लेटर को हम डबल कर देते हैं, जैसे एस टी ओ डबल पी, और उसके बाद लगा देते हैं ईडी. तो स्टॉप स्टॉप, ऐसी से प्लैंट प्लैंट प्लैंट, बैट बैट बैट. तो इस टाइप से यहाँ पर आपकी रेगुलर वर्ब्स फिनिश होती है. यहाँ पर मैंने एक स्टोरी की 3/4 लाइन ले ली है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था मोस्टली वर्ब्स रेगुलर होती है तो उनके पीछे डी ई डी लगता है और आईडी भी जहाँ पर वाई होता है. तो इनमें से कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जो हम रेयर यूज करते हैं. तो देखते हैं क्या जो हमने अभी तक वर्ब्स पढ़ी है उनसे आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म फॉर्म कर पा रहे हो, देखते हैं उसमें कितना कवर हुआ. तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ तक आगे चलिए, यहाँ पर देखेंगे आप चेंज. तो लास्ट में इसमें ई लग रहा है और वो मैंने बताया भी था, तो उसका फॉर्म होता है चेंज्ड, सेकंड या थर्ड फॉर्म. इसके बाद और अगर आप आगे चलते हैं तो यहाँ एक वर्ब आती है लिव, और लिव में भी पीछे ई लग रहा है. तो मैंने बताया था ज्यादातर जिसमें पीछे ई लगता है ऐसी वर्ब उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, डी, लिव्ड. ठीक है, तो आप देख रहे हो मैंने लिव वहां नहीं बताया था लेकिन यहाँ भी आप समझ गए और हमारा कवर हो गया. अब इसके बाद और आप आगे चलिए तो यहाँ पर एक वर्ड आता है सेटल. तो सेटल की सेकंड या थर्ड फॉर्म होती है सेटल्ड, इसके भी पीछे ई लग रहा है. तो यहाँ पर वैसी वर्ब्स है जिनके पीछे ई लग रहा है और लास्ट में हमें क्या लगा रहे हैं, डी. अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर एक वर्ड आता है डिस्कवर. तो इसके लास्ट में हमने क्या लगा दिया, ईडी. तो ज्यादातर आपने देखा होगा रेगुलर वर्ब्स के पीछे इसमें आपने क्या नोट किया, कुछ ऐसे वर्ड सेटल डिस्कवर, ये हमने नहीं पढ़े थे अभी जो मैंने आपको बताए थे रेगुलर वर्ब्स, लेकिन फिर भी आप इनको देखते ही समझ गए. तो डिस्कवर यहाँ तक, और इसके पीछे आपने ईडी लगा दिया, यानी इससे आप क्या समझते हैं, ज्यादातर रेगुलर वर्ब्स के पीछे डी या ईडी लगता है. जिसके पीछे ऑलरेडी जिस वर्ब में ई है उसके पीछे डायरेक्ट क्या लगा देते हैं, डी, और बाकी के जो भी वर्ड होते हैं हमारे उसके पीछे हम क्या लगा देते हैं, ई डी. जहाँ पहले से ई है ध्यान रखिएगा वहां केवल डी लगाना है, और जहां पर ई नहीं है वहां पर क्या लगाना है, डी. तो ज्यादातर इसमें आपने वर्ब देखी है सारी की सारी रेगुलर ही आ रही है, तो रेगुलर वर्ब्स यहाँ पर आपकी फिनिश होती है. तो विल मीट इन नेक्स्ट सेशन विद अ रेगुलर वर्ब्स. टिल देन बाय बाय.